Hello everyone, welcome back. In the previous video, we have discussed about the controlled component. और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो आते हैं हम लोग अपने VS Code के अंदर और VS Code में हम लोगों ने बनाया था form component और इसका जो result आ रहा था वो यहाँ पे था कि अगर हम लोग कोई भी यूजर नेम यहाँ पे टाइप करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने टाइप किया आदित्य, सो इट इज कंट्रोल्ड बाई द रिएक्ट इट सेल्फ, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार रेफर कर लो, इसको समझना आसान हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग दो चीजें यूज कर रहे थे, एक कर रहे थे ऑन चेंज इवेंट हैंडलर, राइट, और इसके वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे स्टेट। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे इनपुट कंट्रोल था वो सारे चीज कंट्रोल हो रहा था हमारे रिएक्ट के थ्रू। और अब जो हम लोग फॉर्म बनाएंगे उस फॉर्म के अंदर जो भी हमारा इनपुट एलिमेंट होगा वो इनपुट एलिमेंट रिएक्ट के थ्रू कंट्रोल नहीं होगा। वहां पे हम लोग कोई भी ऑन चेंज इवेंट हैंडलर यूज नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पे हम लोग कोई स्टेट मेंटेन करेंगे, राइट। हम लोग फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट एलिमेंट यूज करेंगे उन सारे इनपुट एलिमेंट्स के वैल्यू को एक्सेस करेंगे डायरेक्टली डॉम के थ्रू, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट एलिमेंट इज टू बी मेंटेन्ड बाई द डॉम इटसेल्फ। तो चलते हैं हम लोग कंपोनेंट फोल्डर के अंदर और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं हम लोग अनकंट्रोल्ड फॉर्म डॉट जेएसएक्स। और यहां से सबसे पहले हम लोग इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे अनकंट्रोल्ड फॉर्म को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं RFCE और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अनकंट्रोल्ड फॉर्म एंड यहाँ पे आप चेक कर लेना कि ये जो अनकंट्रोल्ड फॉर्म कंपोनेंट है हमारा ये यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, राइट। अब देख लेते हैं हम लोग ब्राउजर के अंदर हमारा आ गया है कंटेंट अनकंट्रोल्ड फॉर्म। और अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग अनकंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर और यहां से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक फॉर्म। राइट, हमारा ये फॉर्म बन के तैयार हो गया और यहाँ पे देख लो कि हमने कोई भी ऑन चेंज इवेंट हैंडलर यूज नहीं किया है, डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज किए हैं आईडी का और इस आईडी के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक्सेस करते हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारा फॉर्म बन करके तैयार हो गया है और इसके अंदर जो भी चीज हम लोग लिखेंगे इसके वैल्यू को डॉम खुद कंट्रोल करेगा ना कि रिएक्ट, राइट। हम लोग यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर यूज कर लेते हैं ऑन सबमिट, राइट, और ऑन सबमिट के अंदर हम लोग कर लेते हैं हैंडल सबमिट फॉर्म या यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं हैंडल फॉर्म, राइट। अब इस हैंडल फॉर्म को यहाँ पे हम लोग पहले क्रिएट कर लेते हैं, सो आवर फंक्शन इज हैंडल फॉर्म एंड इनसाइड दिस हैंडल फॉर्म द डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज इवेंट, राइट, एंड थ्रू दिस इवेंट वी कैन हैंडल आवर फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है फॉर्म का कि जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करोगे ये फॉर्म सबमिट होकर के किसी और पेज पे जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले उस डिफॉल्ट बिहेवियर को हम लोग स्टॉप करते हैं और उसके लिए कॉल करते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसोल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बटन है वो एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म सबमिट एंड लेट्स सी द आउटपुट इन अ ब्राउजर। तो यहाँ पे पहले हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले हम लोग डेवलपर टूल खोल लेते हैं यहाँ से और चलते हैं कॉन्सोल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग को मिल गया फॉर्म सबमिट, मीन्स हमारा ऑन सबमिट बटन काम कर रहा है, राइट। तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कब, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, जब सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग पहले चलते हैं और उस वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आप प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हो तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सपोज यूजर
and then document dot get element by ID, and through this ID we can access this username, right? So here is our ID name, username, and then retrieve this value, right? अब यहाँ पे हम लोग उस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं. सबमिट फॉर्म विथ द वैल्यू ऑफ यूजर. सो सपोज दिस इज आवर यूजर एंड लेट्स सी द आउटपुट इन अ ब्राउजर. सो लेट्स क्लियर द फॉर्म फर्स्ट एंड देन टाइप हियर दैट दिस इज आदित्य एंड देन सबमिट द फॉर्म. सो द फॉर्म इज सबमिटेड विद द आदित्य, राइट? So we are able to access the value of the input box. तो आपको यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोग इनपुट बॉक्स के वैल्यू को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग रिएक्ट, राइट? सो फर्स्ट मेथड हो गया आपका गेट एलिमेंट बाई आई डी के थ्रू आप उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो. सेकेंड मेथड मैं एक और यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, और उसके लिए मैं यूज करूंगा रिएक्ट के हुक का, राइट? तो सबसे पहले मैं उस हुक को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूं, और हुक का नाम है यूज रेफ, राइट? तो सबसे पहले आप एक रेफरेंस बना लो, राइट? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि रेफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, और उस रेफरेंस को एसोसिएट करना है हमको इस इनपुट बॉक्स के साथ, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन यूजर रेफ इज इक्वल्स टू यूज रेफ, राइट? एंड इनिशियलाइज विथ नल वैल्यू. तो यहाँ पे हमारा एक रेफरेंस बन गया, और इस रेफरेंस को मैं यहाँ पे एसोसिएट करना चाहता हूँ किसके साथ? इनपुट बॉक्स के साथ, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे? तो एक प्रॉपर्टीज यूज करना है ref, और ref के अंदर हम लोगों को इसका रेफरेंस बता देना है, राइट? सो वी आर पॉइंटिंग टू दिस रेफरेंस यूज ref, राइट? तो यहाँ पे जो हमारा यूजर ref है वो यूजर रेफ इसको रेफर करेगा किसको? इस इनपुट बॉक्स को. अब देखो यहाँ पे कि जब यूजर रेफ हम लोगों ने बनाया तो इस यूजर रेफ को किसके थ्रू रेफरेंस दिया? आर ई एफ प्रॉपर्टीज के थ्रू, राइट? तो जहां पे भी आप यूजर रेफ यूज करोगे वो समझ जाएगा कि मैं अब पॉइंट कर रहा हूं इस इनपुट एलिमेंट को, राइट? तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे कि इस यूजर रेफ के थ्रू इसके वैल्यू को एक्सेस करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लेट यूजर इज इक्वल्स टू एंड देन यूजर रेफ डॉट. अब यहाँ पे आप कैसे एक्सेस करोगे यूजर रेफ के थ्रू? तो उसके थ्रू आप यूज करोगे करेंट. तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको प्रिंट करके चेक कर लो कि यूजर रेफ के अंदर आता क्या है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सोल कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं हम लोग कि हमारा यूजर रेफ क्या आता है, राइट? So let's come to the browser and clear the browser first and then click on this button, then you will get here the current, right? And inside this current you will get here the input element, right? और इस input element के अंदर में आपको मिलेगा यहाँ पे values. तो अभी हमारा तो कोई भी value है नहीं, right? तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया होता suppose welcome एंड इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देन क्लिक करते हैं यहाँ पे फॉर्म पे, राइट? अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग करंट के अंदर, और करंट के अंदर वैल्यूज को क्लिक करते हैं तो हमको मिल जाएगा वेलकम, राइट? तो यहाँ से आप अगर क्लिक करो कि यूजर रेफ डॉट करंट, राइट? और अब यहाँ पे आप जाकर के चेक करो कि आपको करंट में क्या मिलता है, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो करंट में हमको करंट इनपुट एलिमेंट मिल गया, राइट? अब इस इनपुट एलिमेंट का हमको क्या चाहिए? वैल्यू, राइट? तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो? तो करंट के थ्रू आप यहां से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो. तो करंट डॉट वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट. सो हियर वी आर गेटिंग वेलकम, राइट? तो यहां से हम लोगों को यूज रेफ के थ्रू भी हम लोग यहां से एक्सेस कर सकते हैं इनपुट एलिमेंट के डेटा को, राइट? तो अब तक हम लोगों ने देखा कि फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू कैसे हम लोग अनकंट्रोल्ड फॉर्म बना सकते हैं. और अगर आप चाहते हो कि अनकंट्रोल्ड फॉर्म बनाना है लेकिन क्लास कंपोनेंट का यूज करना है, तो क्लास कंपोनेंट का यूज करके हम लोग अब अनकंट्रोल्ड फॉर्म कैसे बना सकते हैं? तो चलते हैं हम लोग कंपोनेंट फोल्डर के अंदर,
और फिर से यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग अनकंट्रोल्ड क्लास फॉर्म, राइट। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं क्लास कंपोनेंट RCE, राइट। और यहाँ से इसको हम अभी कमेंट आउट कर लेते हैं और ले आते हैं फिर से अनकंट्रोल्ड फॉर्म को, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया अनकंट्रोल्ड क्लास फॉर्म, राइट। एंड मेक श्योर दैट दिस इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द फाइल, राइट। एंड लेट्स सी द आउटपुट इन अ ब्राउजर। सो वी हैव गॉट द अनकंट्रोल्ड क्लास फॉर्म, राइट। अब यहां से हम लोग चलते हैं अनकंट्रोल्ड क्लास फॉर्म के अंदर और यहां से हम लोग बना लेते हैं फॉर्म। राइट, सो लेट्स सी द आउटपुट इन अ ब्राउजर। सो अगेन वी हैव गॉट द फॉर्म हैविंग द वन इनपुट एलिमेंट एंड वन सबमिट फॉर्म, राइट। सो नथिंग विल हैपन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सबमिट फॉर्म बिकॉज वी हैव नॉट रिटन एनी टेक्स्ट फॉर द सबमिट, राइट। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर। सो ऑन सबमिट एंड देन हियर वी आर यूजिंग द क्लास कंपोनेंट। सो फर्स्ट वी हैव टू यूज द इंस्टेंस दिस। सो दिस डॉट हैंडल फॉर्म, राइट। एंड हियर वी हैव टू यूज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट हैंडल फॉर्म। सो वी आर क्रिएटिंग हियर the arrow function. So inside this argument we have to receive the event and then write the code. Here is the event dot prevent default. और prevent default क्यों करते हैं वो आपको पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग confirm हो लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं हम लोग console dot log and then print submit form, right. So let's see the output here that submit form is now displayed. तो यहाँ पे हमारा फॉर्म काम कर रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस इनपुट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को एक्सेस करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और कंस्ट्रक्टर के लिए आर कॉन्स्ट, और यहाँ पे हमको स्टेट अभी रखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से वहां पे हम लोगों ने यूज किया था यूज रेफ, उस तरह से यहाँ पे हम लोग को करना है क्रिएट रेफ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट द क्रिएट रेफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द रेफरेंस, एंड फॉर क्रिएटिंग द रेफरेंस वी आर यूजिंग दिस डॉट यूजर रेफ इज इक्वल्स टू क्रिएट रेफ, राइट। तो अब हमारा यूजर रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब इस यूजर रेफरेंस को हम लोग यहाँ पे एसोसिएट कर लेते हैं इनपुट बॉक्स के साथ, right. So here we are using the ref properties and inside this we are using this dot user ref, right. तो जब कभी भी आप this dot user ref करोगे तो ये point करेगा इस element को, right. तो यहाँ पे जब हम लोग submit करते हैं, right, तो submit करने के बाद हम चाहते हैं कि वो जो हमारा user ref है वो किसको point करता है। तो यहाँ से हम लोग print कर लेते हैं this dot user ref, राइट। अभी चलते हैं हम लोग ब्राउजर के ऊपर। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं और यहां से क्लिक करते हैं, राइट। सो इट इज पॉइंटिंग टू द करंट, राइट। तो करंट के अंदर में हमारा इनपुट है और इनपुट के अंदर में यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स है, राइट। अभी वैल्यू कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूजर एंड देन हियर रिमूव इट एंड क्लिक ऑन सबमिट फॉर्म, राइट। अगेन वी आर गेटिंग हियर करंट इनपुट and inside this value we are getting here user, right. So everything is working perfectly. अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और चलते हैं इस value को access करने, right. तो यहाँ से भी हम लोग access कैसे करेंगे, this dot user ref dot current, right. और current करेंगे तो हमारा वो input element पूरा आ जाएगा, right. जैसे यहाँ पे आप आओ इसको क्लिक करते हैं और चलते हैं क्लिक के ऊपर, तो देखो हमारा input box आ गया। अब इनपुट एलिमेंट आ गया तो उसके अंदर का वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं, तो करंट डॉट वैल्यू, राइट। तो यहां से अगर हम अभी क्लिक करते हैं और यहां पे डाल देते हैं सपोज आदित्य एंड देन सेव फॉर्म, वी आर गेटिंग हियर द वैल्यू, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी आर मेंटेनिंग द अनकंट्रोल्ड फॉर्म इन क्लास कंपोनेंट।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर में हम लोग अनकंट्रोल्ड फॉर्म एलिमेंट कैसे बनाएंगे और क्लास कंपोनेंट के अंदर हम लोग कैसे बनाएंगे, राइट? और अगर कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन माय कमेंट बॉक्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.